बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन इसी संविधान बचाओ न्याय यात्रा के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जदयू ने उनके खिलाफ निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीर गोपालगंज की है। गोपालगंज में सभा के दौरान तेजस्वी यादव के साथ ये सेल्फी ली गई। इसी सेल्फी को लेकर के अब जदयू ने उन पर निशाना साधा है और यहां तक कह दिया है कि जदयू राजद का जो चरित्र है वो ऐसा ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो वायरल फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, इस वायरल फोटो पर जदयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने ट्विटर पर हमला बोला है। नीरज कुमार ने तेजस्वी के साथ ली गई अपराधी सुरेश चौधरी की फोटो पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। पिता लालू प्रसाद तो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद ही हैं, तेजस्वी यादव भी अपराधियों की चौखट पर नमन कर रहे हैं, उनसे गलबिगहियाँ कर रहे हैं। वैसे राजद का चाल चलन और चरित्र भी यही है। आपको बता दें कि एक्स डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को अपनी संविधान बचाओ न्याय यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने कभी नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था और वही नीतीश कुमार आखिरकार जाकर के बीजेपी से मिल गए। तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव अपने संविधान बचाओ न्याय यात्रा के दौरान छपरा हो, सिवान हो या फिर हो गोपालगंज, सभी जगह पर नीतीश सरकार पर जमकर हमलावर दिखे, पोल खोलते नजर आए। यहां तक कि गोपालगंज में तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जनादेश मिला था महागठबंधन को, लेकिन दिनों दिन जनादेश का चोरी करके नीतीश कुमार ने चोर दरवाजे से बीजेपी को अंदर घुसा लिया और सरकार बनाई। इसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव की इस क्रिमिनल के साथ हो रही इस तस्वीर के वायरल होने पर बिहार की सियासत गरमा गई है, विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया है। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आप खबरों की दुनिया में अपडेट रह सकें।